अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मायरा जैनब वीलॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब। आलू के कबाब बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इजीली उनको यहाँ से देख सकते हैं। आलू के कबाब बनाने के लिए हमें बॉयल पोटैटोज़ चाहिए, अनियन चाहिए, ग्रीन चिलीज चाहिए, कोरिएंडर चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, नमक चाहिए, लाल मिर्चें चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्चें चाहिए, गर्म मसाला चाहिए। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने एक जगह रख दिया है आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद अब हमने इनको चॉप कर लेना है, जो भी हमारी चॉप करने वाली चीज़ें हैं। चॉप करने के बाद हमने जो बॉयल पोटैटोज़ हैं उनको स्मैश कर लेना है। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, स्मैशर से भी कर सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमने एक बर्तन में, बड़ा बर्तन ले लें या बॉयल ले लें, उसमें आपने इनको कम्बाइन कर देना है। इन सब चीज़ों को आप देखें, हमने मिक्स कर देना है। मैंने सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, रिटर्न भी लिखा हुआ है, आप इजीली इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इनके कबाब्स बनाने हुए हैं। शेप आप जितनी बनाना चाहें वो ईज़िली आप बना सकते हैं। और उसके बाद आप कबाब बनाने के बाद आपने इनको फेंटे हुए एग में आपने इनको रोल कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन के ऊपर आपने ऑयल डालकर इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई आपने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, या जो आपको लगे जितना आप इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको गोल्डन रखना चाहते हैं या थोड़ा सॉफ्ट क्रिस्पी करना चाहते हैं। ये देखिए, हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद आपने इनको सैलड के साथ, केचप के साथ और योगर्ट, मिंट योगर्ट के साथ आप इसको खा सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत मज़े के बने हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको। खाएं और जल्दी से बनाएं, और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज। थैंक यू, एंड आल्सो माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।